कर मेरे को चलो भाई। तो विंडा निकल गए हैं आज फिर से स्कूल के लिए, सारे खिलाड़ी आ चुके हैं, अब हम भी निकलने वाले हैं स्कूल से। आप तरीके से बोले बाबा ये आ गए, ये हमारा नल्ला, क्या नाम है भी तेरा साले, बोलो। तेरी तो टोपी निकाल, हाय ना, मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। है जल्दी बोल, तेरा नाम क्या है? जल्दी बोल। इसका नाम है बसंत, जो कि हमारे गौतम मोखले हैं इसका। और लेकिन एक सेकंड, और आज गाइस देख सकते हैं जरा रंगीन पेंट पहन के आ गया हूँ, क्या मालूम क्या होता है, देखते हैं कैसा क्या रिएक्शन आता है हमारे सर का। तो बाहर निकाल दिया तो ठीक है, नहीं ठीक कहा खिलाड़ी चले गए हैं सब, गाड़ी सब है, इसको बस से ही हो जाते ना। ये रह गया एक, ये साले बस से चले गए सबके साथ, हम जा रहे पैदल यहाँ से। मैं तो सिंसियर बच्चा समझता था, ये चने खाए सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। खा रहा है ये चंगले के दाने, खा रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। कितने दाने फेंक दिए यहाँ पर, उसका भूसा फेंक दिया है। 2 बजे की छुट्टियों के रिहर्सल भोजन भोजन ग्रहण करने की इच्छा रह गई, तो हम इधर आगे खिलाड़ी साहब उधर गिर जाता कैसा भी मोबाइल, तो आपको ब्लॉग नहीं बना पाता। ये खिलाड़ी अपना आ गया, क्या क्या खाया तुमने आज? आड़न सनम खाया होगा क्या? आड़न सनम का चिकन मटन खाया गाइस हमने ना यहाँ पर बर्थडे बर्थडे में। तो ये सारे सारे खिलाड़ी जो कि अपना वीडियो चल रहा है भाई का, तो खिलाड़ी खेल रहे हैं तरीके से। और अपना प्रांजल भाई मिल चुका है, जो कि अंधेरे में अभी काला भूत दिख रहा है, उधर से बनाएंगे वीडियो तब इसका चेहरा अच्छा आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी स्कूल है, और यहाँ पे हमारे शिवम भाई जो आपको रोज अपना थोबड़ा और टकला बताते होंगे ब्लॉगिंग वीडियो में। अबे साले गौतम आपके पास एटीट्यूड है कि नहीं है? अरे इसके बाद 10 रुपए नहीं, एटीट्यूड क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इधर बताइए जरा ये चांदे बटे लिखरुओं को बताइए, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो जाम खा, मजा बहुत आ रहा है, आप कुछ भी कहिए। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा चेहरा देख सकते हो काला भूत दिख रहे पूरे भेस हंसता है, तू तो गया। और ये ढोरो की तरह जाम खाते हुए देख सकते हो आप, गेम भी खेल रहा है। कर मेरे को, मेरे को जानता नहीं है। ये हमारे विकास भाई और ललित भाई, ये हमारे विकास भाई और ललित भाई। शिवम भाई आपके सब्सक्राइबर के लिए कोई स्पेशल मैसेज? साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। सबसे नंबर पे आते हैं हर्षित साले, साले करने के बाद हम अच्छा एकांत में, जो कि अपना प्रांजल भैया है, तो इनको भी सब्सक्राइब करें, इनका चैनल को आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो स्कूल में वहाँ पर एक प्रसिद्ध बाबा है, जो कि अब मैं आपको दर्शन कराने जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर है, आप देख सकते हो ये रहे प्रभु हमारे, प्रभु हमारे देवता, हमारे महाराज, हमारे बढ़िया, हमारे भगवान। बोलिए पूरी श्रद्धा के साथ, बोलिए सियाराम बाबा की जय, उन्होंने सिटिंग वाले बाबा की जय। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। देख सकते हैं कि अभी हमारा एक शिष्य आया है, क्या समस्या है बच्चा तुम? बाबा सिटिंग नहीं हो रही है मेरी। अरे बाबा कुछ करेंगे यहाँ पर, देख सकते हो कुछ जड़ी बूटी जैसा कार्यक्रम हो रहा है, जो कि बाबा
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओम भट स्वाहा। एक बार अपनी राय बोलिए और चमत्कार करने के लिए सब्सक्राइब करवाइए। ये बच्चा रोज मेरे दरबार में आता है, कृपया करके इस चैनल इसके चैनल में मदद कीजिए, क्योंकि ये रोज भी चरम आप इसकी शक्ल को तो देखिए। रोने के बाद गाइस आइए आपको मैं सिखाता हूँ कुछ शायरिया, जो कि आराम शरम शायरिया हो रहे हैं अपने बकवास शायरों की, देख सकते हैं बस शायरिया जो बैठे हैं हमारे झमरू बाबा कुछ इस टाइप से शायरिया बताएंगे। तो चलिए बाबा उठा के बाल्टी मार का थोड़ा पानी नहीं मांगेगा। Hey, how come look at this? No. तो विंडा निकल गए हम यहाँ से अपने जो शायरी के स्टेशन से, वहाँ से निकल गए। आप जाते हैं स्कूल में क्योंकि बेल बज चुकी है। चलिए चलते अपने गणेश ओसवाल के, जो आप कई बार अपने ब्लॉग में देख चुके होंगे मेरे ब्लॉग में। तो गाइस बात उसकी ये है कि वो एक जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। A few moments later हमारी छुट्टी हो चुकी है, सारे खिलाड़ी आ चुके हैं जो कि घर चले गए। आप निकलते हैं घर के लिए। ओके गाइस टाटा बाय बाय। आज का ब्लॉग होता है समाप्त तो, और निकलते हैं हम कोचिंग के लिए। तो गाइस निकलते क्या कोचिंग में आ ही गए। तो ये रही हमारी कोचिंग और ये रहा मैं और ये रहा मेरी टोपी। ओके गाइस तो निकलिए जाते हैं। ओके टाटा बाय बाय।